सनातन धर्म में कोई भी शुभ अथवा मांगलिक कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। प्रत्येक वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 7 सितंबर को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर्व के दिन लोग अपने घरों में गणपत बप्पा की स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा आराधना करते हैं। सनातन धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूजनीय देवता माना जाता है। किसी भी शुभ अथवा मांगलिक कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर सनातन धर्म को मानने वाले लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। अगर आप भी गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना अपने घर पर करना चाह रहे हैं तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि गणेश जी की कैसी प्रतिमा शुभ मानी जाती है और स्थापना के समय किन बातों का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। दरअसल अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्किराम बताते हैं कि इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन लोग गणपति बप्पा की स्थापना अपने घरों में करते हैं, कोई 7 दिन, कोई 9 तो कोई 10 दिन गणपति बप्पा की पूजा आराधना में लीन रहता है। गणेश चतुर्थी के लिए भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। मूर्ति खरीदते समय गणेश जी की मुद्रा और सूंड किस दिशा में और कैसी है, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए।